पूरे भारतवर्ष में होली एक ऐसा त्योहार है जिससे सभी शहरवासी अलग अलग रंगों में सराबोर हो उठते हैं। होली के त्योहार का आगाज होते ही शहर के सभी दुकानें और बाजार रंग पिचकारी और शक्कर से बनी गाठियों से जरूर सजी है, लेकिन कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने लॉकडाउन लगाया है, जिससे शहर के दुकानदारों के कारोबार बंद पड़े हैं। जैसे ही प्रशासन द्वारा दुकानदारों को लॉकडाउन में शिथिलता देकर दुकानों के खुलने की समय सीमा बढ़ा दी है, जिससे शहर के दुकानदारों ने थोड़ी सी चैन की सांस ली है। इतवारी के मुख्य बाजार में छोटे बड़े दुकानदारों ने होली त्योहार को देखते हुए रंग पिचकारियां और मीठी गाठियां से दुकानें सजी हुई है। आखिरकार एक तरफ कोरोना का बढ़ता संक्रमण और दूसरी तरफ होली का त्योहार, इसका कितना फर्क इस वर्ष होली का सामान बेचने वालों पर हुआ है, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता संजय मिरे इनकी होली के स्पेशल स्टोरी में। होली के रंग में कोरोना ने मिलाई भंग में। राज्य के साथ जिले में कोरोना की दूसरी लहर फैली हुई है। इस वर्ष मार्च के अंतिम चरण में मरीजों में दोगुनी रफ्तार से वृद्धि हो रही है। इसका असर सभी त्योहारों पर होने से घरों में रहकर सादगी के साथ त्योहार मनाए जा रहे हैं। पिछले वर्ष मार्च में ही देश में कोरोना की एंट्री हुई थी। पिछले वर्ष भी भय के साय में होली मनाई गई थी। इस वर्ष 28 मार्च को होली दहन एवं 29 मार्च को रंग पंचमी है। इस वर्ष जनवरी में दूसरी लहर के साथ कोरोना की एंट्री हुई है। कोरोना संक्रमण से फरवरी में जबरदस्त हमला किया है, इसी के चलते मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस, शिवाजी महाराज जयंती, महाशिवरात्रि समेत अन्य त्योहारों के उत्साह पर पानी फेर दिया। होली के त्योहार भी कुछ ही दिन शेष है। जिले में कोरोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते साप्ताहिक बाजार बंद कर दिया गया है। इस वजह से होली पर कोरोना का साया मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। होली एक ऐसा त्यौहार जिसे रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। इस रंगों में सभी लोग सराबर होना चाहते हैं, मगर अब की बार कोरोना को देखते हुए क्या होली का रंग कहीं फीका तो नहीं गिर जाएगा? आइए ये जानने के लिए विशेष की टीम आज इतवारा मार्केट में आई हुई है, जहाँ पे दुकान खुलते ही बड़ी भीड़ नजर आ रही है। हर कोई अपने पसंदीदा रंग लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे एक दुकान में हम आए हुए हैं। इस समय में दुकान मालिक भी हमारे साथ में है, उनसे भी हम बात करेंगे। उससे पहले बता दें कि ये जो तमाम यहाँ पे जो बक्से दिखाई दे रहे हैं अलग अलग वेराइटीज के, ये वही कलर है जिसे पूरे विदर्भ वासी काफ़ी अच्छा पसंद करते हैं। कई लोग विदर्भ और दूर दराज से आकर इसी दुकान से ये कलर खरीदते हैं और रंगों में हर कोई सराबोर वो होना चाहता है। आइए हम सीधा दुकानदार से बात करें। सर, ये बताइए कि कोरोना को देखते हुए जिस प्रकार से ये जो रंगों की दुकान तो जरूर खुल गई है, क्या कहना चाहूँगे होली को लेकर लोगों में रंग के प्रति कितना उत्साह है, लोगों की पसंद क्या है और कैसे कामकाज चल रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? इस बार तो क्या रंग का और गुलाल का कुछ भी मार्केट चल नहीं रहा, पूरा आराम से है। थोड़ा बहुत बिक रहा है हर्बल कलर में, थोड़ा जो पिछले 4-5 साल से हर्बल कलर ज़्यादा बिकता था, इस बार तो हर्बल कलर भी कुछ भी नहीं बिक रहा है। और अगर समझ लो कल परसों अगर लॉकडाउन हो जाता है तो सबकी होली व्यापारियों की ठंडी रहेगी और अभी भी ठंडी है ही। अभी ग्राहकों का क्या प्रतिसाद है? कुछ भी नहीं है प्रतिसाद, 20% भी गिराई की नहीं हुई है 100% में से। इस वर्ष की होली का रंग फीका हो गया है? पूरा फीका हो गया, कहीं नहीं दिख रहा रंग, लोगों में कोई उमंग ही नहीं है और लोग यही सोच रहे कि इस बार होली खेलना नहीं है। तो आपसे दुकानदार जिन्होंने बात करते हुए बताया कि रंगों का जो रंग है वो फीका नजर होते हुए आ रहा है, क्योंकि रंग में भंग जरूर कोरोना ने डलवा दी है, जिसके चलते कोरोना इस महामारी का संक्रमण भी बढ़ रहा है, जिसके चलते कई ऐसे त्यौहार सभी धर्मों के जो है वो कहीं ना कहीं दूर होते हुए नज़र आ रहा है। और हाल ही में अभी होली का भी त्यौहार है, अब देखना ये होगा कि होली के त्यौहार में लोगों के प्रति क्या उत्साह बना हुआ है, क्योंकि दुकानदार ने तो पूरी तरह से अपनी निराशा व्यक्त की है। उनका ये मानना है कि प्रतिवर्ष जो एक रिस्पांस मिलता था, लेकिन जब से कोरोना है तब से लेकर ये कामकाज सभी तरह से प्रभावित हुए हैं और जो लोगों में जो एक उत्साह था वो भी कहीं ना कहीं कम होते हुए नज़र आ रहा है, जिसका असर कलर व्यापारियों पर भी हुआ है, ऐसे दुकानदार का मानना है। अब हम सीधा रुख करेंगे और यहाँ से इतवारी के उस छोर पे जाएंगे जहाँ पे टोपी, पिचकारियाँ और अलग अलग होली से जुड़े हुए गठिया, इनकी दुकानें सजी हुई है। आइए वहाँ भी चलते हैं और वहाँ भी पल पल की जानकारी देते हैं। होली को लेकर प्रशासन के आदेश का इंतजार है।
अक्सर धूमधाम एवं हुल्लड़बाजी से मनाए जाने वाला यह त्योहार इस बार भी अत्यंत सादगी से मनाए जाने के आसार है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए होली खेलना खतरनाक साबित हो सकता है। एक दूसरे को रंग लगाने से संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है। बाजार में होली के सामान की बिक्री को लेकर व्यापारी चिंतित है। रंगों के त्योहार पर हर पल ऑर्गेनिक कलर की विशेष डिमांड रहती है, लेकिन व्यापारी रंगों की खरीदारी से बच रहे हैं। बाजार में रंग, गुलाल, पिचकारी के साथ विविध प्रकार की टोपियां आदि की दुकानों में रौनक रही है। साप्ताहिक बाजार बंद एवं कोरोना संक्रमण बढ़ने से बाजार में अन्य वस्तु के बिक्री पर भी असर पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे होली त्योहार से रौनक ही गायब हो गई हो। अब हम आए पिचकारी की दुकान में, जहाँ पे बच्चे होली के दिन में पिचकारियाँ काफी पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे मुखौटे जिसको कहते हैं, ऐसे देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का ये यहाँ इस प्रकार का प्लास्टिक का मास्क भी बनाया गया है, और इस मास्क को भी बच्चे होली के दिन पहनने वाले हैं। दुकानदार हमारे साथ में है, उनसे जानना चाहेंगे, सर ये बताए कि इस प्रकार कौन कौन सी वेरायटी है, क्या करना चाहते हैं, कोरोना के लेकर कामकाज कैसे चल रहा है पिचकारी का? हम पिचकारी का भी जो ठीक है धंधा चालू है। क्या रेंज की आपके पास? सभी रेंज की है। कौन से है नाम बताइए। सभी अलग अलग रेंज की है। ये इसी टैंक कहेंगे 140 से 210 रुपए है सभी टैंक के। इसका मॉल पिचकारी है 25 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, सभी रेंज की चेहरे है 40 रुपए वाले, 50 रुपए वाले, लेकिन जैसे कस्टमर होने वैसे कस्टमर है नहीं। क्यों, क्या वजह है? कस्टमर ना होने के कारण, लॉकडाउन के कारण। तो क्या इस बार का पूरा अपना माल कट जाएगा या आपके ऊपर बैठ जाएगा? टाइमिंग भी कम है ना, 4 बजे तक चालू होता है, 4 बजे तक बंद करना पड़ता है। कितने लाख का, हजारों का माल भरा है इस समय में? माल जल्दी भरा है सर, 5 लाख। क्या पैसे वसूल हो रहे हैं? इस साल तो नहीं। क्या नाम है आपका? सुभाष तल्लार। तो आप है सुभाष कल्लर, जिन्होंने बात करते हुए बताया कि 5 लाख का माल तो उन्होंने जरूर भर दिया है। होली का त्यौहार भी अभी बहुत नजदीक पहुंच गया है, ऐसे में मार्केट जो है पूरी तरह से सुनसान तो नहीं कह सकते, एकाध दो गिराई जरूर है, मगर जो रिस्पॉन्स जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, जिसके चलते ये रंग पिचकारियों का माल फिर से इनके ऊपर में बैठ सकता है, इनका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि कोरोना महामारी ने सबको झकझोर दिया है, जिसके चलते रंग व्यापारी हो या फिर ऐसे पिचकारी या बेचने वाले कुछ दुकानदार कुछ यहाँ पे खरीदी करने के लिए अपने बच्चों के लिए पिचकारी लेने के लिए कुछ महिला भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। मैम बताइए कि आप यहाँ क्या होली का क्या सामान लेने के लिए आई है और कैसा रहा? सर हम कलर्स और पिचकारी लेने के लिए आए हैं, अभी भीड़ तो है पर खरीदारी भी जरूरी है, तो वही बस सामान अपने प्रिकॉशन खुद ही लेके खरीदारी करते हैं। इस समय में कौन सा कलर खेलना चाहेंगे, कॉस्मेटिक या हर्बल? नहीं सर, हर्बल, हर्बल ही खेलना चाहेंगे, कॉस्मेटिक तो नहीं यूज करेंगे। लेकिन एक और कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने पूरी तरह से प्रिकॉशन लेना चाहिए? बिल्कुल सर, लगता तो है। प्रिकॉशन ले रहे हैं सर, हम लोग सिर्फ मतलब घर पे ही रह रहे हैं, पर जरूरी। अब हम आपको उस शक्कर की गठिया का एक भाव होता है होली के दिन, वो कैसे बनाते हैं, उसका क्या भाव है और दुकानदार का क्या कहना है, आइए वो भी हम आपको उस बारे में पल-पल की जानकारी देते हैं, आइए हमारे साथ। पिछले वर्ष तथा इस वर्ष भी होली के त्योहार के समय कोरोना संक्रमण के चलते गाठियों की मांग नहीं के बराबर है। शक्कर के दाम नहीं बढ़ने के कारण पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी गाठियां 70 रुपए किलो बिक्री है। वही गाठियां निर्माण करने के लिए उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ से आने वाले गाठियों की मांग नहीं होने के कारण पिछले वर्ष से नहीं आ रही है। एक गाठी उत्पादक का कहना है कि कोरोना संक्रमण के चलते पिछले वर्ष से वे गाठियां नहीं बना रहे, क्योंकि मांग नहीं रहने से होली के 1 से 1.5 महीना पूर्व गाठियां बनाने वालों को अभी रोजी निकालना भी मुश्किल ही है। किराना दुकानों में भी गाठी की मांग कम हो रही है। कोरोना संक्रमण की दहशत ग्राहकों में होने से इस बार होली खेला जाना मुश्किल ही है। होली का एक ऐसा त्यौहार रहता है जहाँ रंग खेले जाते हैं, वहाँ पिचकारी से रंग भी उड़ाए जाते हैं, और हर कोई इस रंग गुलाल में सराबर होना चाहता है। मगर होली का एक और भी महत्व है, गाठी।
ये मीठी शक्कर की ये जो गाठी है, इसको छोटे बच्चे हो या बड़े हो जिनका हम सम्मान करते हैं, उनको होली के दिन इस तरह से गाठी पहनाई जाती है। अब हम उस दुकानदार के पास आए जो हमेशा गाठी बड़े पैमाने पे बेचते हैं, मगर इस वक्त कोरोना को लेकर गाठी के क्या भाव है और क्या है लोगों के ग्राहक की किस प्रकार की आइए उसे जानना चाहिए। गुप्ता जी सब हमारे साथ, गुप्ता जी ये बताइए कि कैसा मार्केट है अभी गाठी को लेके और क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स, गाठी एक धार्मिक त्यौहार है तो उसका महत्व तो गाठी का रहता ही है, तो लॉकडाउन के कारण थोड़ा फर्क पड़ा है, कारीगर लोग सब चले जाने से थोड़ा भाव में भाव बढ़ गए थोड़े से इसके, बाजार में चिल्लर में गाठी 120 से 140 रुपए किलो तक करके बिकेगी, लेकिन मिठास यानी धार्मिक त्यौहार है तो गाठी जरूरी चीज़ है। लॉकडाउन से थोड़ा फर्क पड़ा है और कारीगर लोग जो काम करने बाहर से आते हैं यूपी साइड से एमपी साइड से, तो वो लोग लॉकडाउन के डर से वो लोग चले गए, इसलिए माल की शॉर्टेज होगी बाजार में। कितने इस वर्ष क्या आपका पूरा माल कट चुका है या क्या नुकसान होने हो रहा है या फायदा हो रहा है आपका? नहीं, नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन काम बंद होने से नुकसान बच गया। तो अभी ये बताइए कि जो ग्राहक जो आ रही है उनकी खास डिमांड क्या रही थी? लोग जैसे कि पहले किलो दो किलो लेते थे, अब लोग क्या ले रहे हैं? लोग थोड़ी मात्रा कम हो गई ना, क्योंकि जितनी पूजा के लिए होना उतनी लोग ले जा रहे हैं, जितनी लोगों को पूजा के लिए चाहिए उतनी ही ले रहे हैं लोग, और लॉकडाउन के कारण लोग एक दूसरे के आएंगे जाएंगे नहीं, तो उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा मार्केट में। कोरोना के कारण लोग एक दूसरे के यहाँ गाठी लेने देने जाएंगे नहीं, आएंगे नहीं, दूल्हा दुल्हन के लिए ले जाते थे वो भी नहीं बिकी इस साल गाठी, क्योंकि कोरोना के कारण लोग लेके नहीं गए एक दूसरे के घरों में, तो उसका भी फर्क पड़ा बाजार में। आपका क्या इस वर्ष व्यापारियों का जो गाठी के व्यापारी है उनका नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? फायदा भी नहीं हो रहा, नुकसान भी नहीं हो रहा, नुकसान ही हो रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो नुकसान ही हो रहा है। क्या नाम है? पप्पू गुप्ता। तो आप थे गाठी के व्यापारी पप्पू गुप्ता, जिन्होंने बात करते हुए तमाम जानकारी दी। होली के दिन रंग खेलते जरूर है, होली एक ऐसा त्यौहार है कि होली के दिन दुश्मन भी गले लग जाते हैं और ये गाठी खिला के भी प्यार बढ़ सकता है, छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग से लेके दूल्हा दुल्हन से लेके या जिनको हम सम्मान देते हैं ऐसे लोगों को ये गाठी पहनाई जाती है, मगर कोरोना ने सबको झकझोर के रखा है, जिसके चलते गाठी व्यापारियों का नुकसान भी इस वर्ष हो रहा है। नागपुर के इस गाठी व्यापारी मार्केट से कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।